चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 17। अभी तक हम लोग 16 पार्ट देख चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा जो 3 डॉट के बगल में होता है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मेरी पूरी सीरीज मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे कि आरबीआई है वो तरलता को कम ज्यादा करती है, ओके, तरलता को कम ज्यादा करती है और इसके लिए कुछ टूल्स का उपयोग करती है। इनके माध्यम से एक तरह से वो क्या करती है, ऋण को सस्ता और महंगा करती है ना, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो अपने दर में परिवर्तन करती है, एक तरह से सीआरआर और एसएलआर में परिवर्तन करती है, तो उससे भी तो कहीं ना कहीं ऋण सस्ता महंगा हो रहा था ना। आप लोगों ने अगर वो सीरीज देखी होंगी तो आप लोग समझ गए होंगे, तो उसके आगे का टॉपिक है। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब आरबीआई जो सस्ती ऋण की नीति अपनाती है तो इसी को कहते हैं इंग्लिश में चीप मनी पॉलिसी, और अगर वो ऋण नीति है उसको महंगी कर देती है, महंगी रणनीति अपनाती है आरबीआई, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। ओके ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये टर्म पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं मॉनेटरी ईजिंग, यानी कि हमने मौद्रिक सरलता ला दी ना। ईजिंग का मतलब क्या है, एक तरह से सरलता ला दी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रसारवादी नीति। अब देखिए प्रसारवादी नीति कैसे कहते हैं, जैसे हमने ऋण की सस्ती नीति अपनाई है, मतलब सस्ता कर दिया हमें ऋण, तो क्या होगा, ज्यादा ऋण लेंगे ना लोग, ज्यादा ऋण लेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा जा करके वो मार्केट में खर्च करेंगे, तो क्या हो रहा है, एक तरह से प्रसार हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको दूसरा नाम दे दिया प्रसारवादी नीति। ओके और दूसरी तरफ महंगी ऋण नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉकिस पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके क्यों, क्योंकि संकुचनवादी है। जैसे आपने आप देखिए ऋण महंगा कर दिया, जब ऋण महंगा कर दिया तो हम ऋण नहीं लेंगे जा करके, जब ऋण नहीं लेंगे तो हमारे पास पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो हम मार्केट में जाके जाकर के खर्च नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, तरलता कम हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, एक तरह से जो पैसा है उसका संकुचन हो रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया संकुचनवादी नीति। ओके क्योंकि इससे संकुचन हो रहा है, अर्थव्यवस्था का संकुचन हो रहा है, कि वो पैसा नहीं जा रहा है, पैसा कम हो रहा है, तो इसीलिए इसको संकुचनवादी नीति और इंग्लिश में हॉकिस पॉलिसी बोलते हैं। ओके तो आप लोग समझ गए, इसमें क्या होता है, पहली वाली कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, ऋण को सस्ता करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, ऋण को सस्ता करने के लिए वो दो काम कर सकती है। नंबर एक वो दरों को कम कर दे, जैसे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट को कम कर दे। ओके और दूसरा क्या कर सकती है, वो कर सकती है आरक्षी अनुपात को कम कर दे, जैसे कि ऐसे यहाँ पर क्या कर सकती है, जो रिपो रेट होता है उसको कम कर दे। ओके और यहाँ पर क्या कर सकती है, जैसे सीआरआर होता है और एसएलआर होता है, इसके अनुपात को कम कर दे, तब क्या होगा, इस अवस्था में जब इसको कम कर देगी तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा ना, जब ज्यादा पैसा बचेगा तो वो ज्यादा लोन देगी ना, ओके और कम ब्याज दर पर देगी ना, तो इससे क्या हुआ, जब अनुपात में कमी करेगी, यहाँ पर देखिए जब अनुपात में कमी करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण लेंगे, जब ज्यादा लोग ऋण लेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा जा करके वो पैसा खर्च करेंगे, जब पैसा खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी ना, पैसा खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मांग करेंगे ही मार्केट में जा करके, जब मांग करेंगे तो उसका हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा ना, जब मांग कर रहे हैं लोग जाकर के कह रहे हैं हमको चीज चाहिए तो हमें उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करेंगे तो इससे रोजगार भी तो उत्पन्न होगा, फैक्ट्री में ही तो हम इसका प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्ट्री में रोजगार उत्पन्न होगा, जब रोजगार उत्पन्न होगा तो इनके पास भी पैसा आएगा, तो क्या होगा, इससे आर्थिक समृद्धि उत्पन्न होगी, मतलब आर्थिक समृद्धि, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी ना, तो जीडीपी बढ़ेगी, नंबर बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे ना, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, साथ में मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। अब देखिए सब लोग जाकर के मांग कर रहे हैं, जब मांग कर रहे हैं, जब मांग बढ़ जाती है तो हमने देखा था ना कि वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस में वृद्धि होने लगती है, जब मांग बढ़ेगी चीजों की तो क्या होगा, गुड्स एवं सर्विसेस होंगी, गुड्स एवं सर्विसेस होंगी, इनका प्राइस होगा, इनका मूल्य होगा, ये बढ़ जाएगा ना, जब इनका मूल्य बढ़ जाएगा तो इसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, तो आपको समझ में आ गया इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, तो इस अवस्था में क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अब हम लोग दूसरी अवस्था देखते हैं इसकी अपोजिट, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, वो ऋण को महंगा करना चाहती है, कौन, आरबीआई, आरबीआई क्या करना चाहती है, ऋण को महंगा करना चाहती है। अब ऋण को महंगा करने के लिए क्या कर सकती है, वो रिपो रेट को बढ़ा दे,
रिपो रेट को बढ़ा देगी तो बैंक के लिए इससे क्या होगा, ऋण महंगा मिलेगा। जब ऋण महंगा मिलेगा तो वो ऋण महंगा भी देगी क्योंकि अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरा क्या कर सकती है, वो CRR और SLR वाला हिस्सा होता है इसको बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा, बैंक के पास जब इसको बढ़ा देगी तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा ना, बैंक के पास बैंकिंग व्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी ना, तो बैंक अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए, लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगी, ऋण महंगा देगी ना। जब वो ऋण देगी तो उस पर ब्याज की दरें बढ़ा देगी ना, आम लोगों के लिए ब्याज की दर बढ़ा देगी। जब ब्याज की दर बढ़ा देगी तो हम लोग जाकर के पागल हैं कि हम जाकर के फ्री में मतलब इतना ज्यादा लोन लेंगे, हम लोन नहीं लेंगे, ऋण कम लेंगे। जब ऋण कम लेंगे तो हमारे पास पैसा कम आएगा, जो रुपया होगा वो कम आएगा। जब पैसा कम होगा तो हम मार्केट में जाकर के मांग नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम घर बैठेंगे तो हम मार्केट में क्यों जाएंगे। ओके, जब मार्केट में नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा, मांग में कमी आएगी। जब मांग में कमी आएगी, जब मांग में कमी आएगी तो इसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, चीजों का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कारखानों में रोजगार उत्पन्न होगा, रोजगार उत्पन्न होगा नहीं होगा ना, तो इससे क्या हुआ, इससे आर्थिक समृद्धि नीचे आएगी ना, थोड़ी सी नीचे आएगी ना। और जो मुद्रास्फीति है, अब देखिए मांग यहाँ पर उत्पन्न हो ही नहीं रही है, तो इससे क्या होगा, गुड्स एवं सर्विसेज होंगे इनके प्राइस बढ़ने की जगह कम होने लगेंगे। जब इनके प्राइसों में लगातार कमी आएगी तब हम इसे क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति थोड़ी सी नीचे आएगी। ओके, जब ज्यादा कम हो जाएंगे तो मुद्रा संकुचन की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तो इतना थोड़ी ना करने देंगे, थोड़ा सा करेंगे तो मुद्रास्फीति थोड़ी सी कम आएगी। तो इन दोनों अवस्थाओं में क्या कर रही है, RBI संतुलन का प्रयास कर रही है। जब बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, वो इन दोनों के माध्यम से क्या करेगी, थोड़ा सा कम ज्यादा करेगी। तब वो इस तरह का करती है, तब इन्हें दो नाम दिए जाते हैं, जब ऋण को वो सस्ता करने का प्रयास करती है तब इसको कहते हैं मॉनेटरी ईजिंग कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्रसारवादी नीति बोलते हैं, या फिर इसको चीप मनी पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन अगर RBI ऋण को महंगा करने का प्रयास करती है, ऐसी नीतियां लाती हैं जिससे ऋण महंगा हो जाता है, ऋण है वो महंगा हो जाता है, तब इसे नाम दिया जाता है डियर मनी पॉलिसी, या फिर इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हॉकिस पॉलिसी भी बोलते हैं, संकुचनवादी नीति भी बोलते हैं। कहते हैं RBI संकुचनवादी नीति ले आई, RBI हॉकिस नीति ले आई, हॉकिस पॉलिसी ले आई, RBI डियर मनी पॉलिसी ले आई, तो इस तरह के उसके नाम दिए जाते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ वोकैब है, ये शब्दावलियां हैं। क्या है, सिर्फ शब्दावलियां हैं, इन शब्दावलियों को याद रखेंगे तभी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब प्रसार कब होगा, इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा, प्रसार कब होगा, जब ऋण विड़ सस्ता हो जाएगा, बैंक आरक्षी अनुपात को कम करते कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। ओके, अब संकुचन कब होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए ना, पैसा नहीं होना चाहिए तो RBI क्या करेगी, जो अनुपात होगा जैसे CRR SLR को थोड़ा बढ़ा देगी, बैंक रेट को बढ़ाने का प्रयास करेगी, जो दरें होती हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करेगी, और रेट को कैसे बढ़ा सकती है, हमने देखा था रिपो रेट को वो थोड़ा सा बढ़ा देगी, तो इनके माध्यम से क्या करेगी, तो इससे क्या होगा, संकुचनवादी नीति अपना रही है ना। तो ये तो आप अपने कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, मैंने इतना लंबा लेक्चर कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि एक सिर्फ शब्दावलियाँ हैं और इसके बारे में तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अब देखिए डोबिस पॉलिसी है, इसके बारे में जान लीजिए, डोबिस पॉलिसी किसे कहते हैं, देखिए डोबिस पॉलिसी उसे कहते हैं RBI अपनाती है। देखिए जब अब पहले एक स्टोरी सुनिए, जब तरलता है मान लीजिए ज्यादा हो रही है, ओके, तब RBI क्या करती है, प्रतीक्षा करती है कि हो सकता है कुछ समय के बाद, हो सकता है ऐसे अभी थोड़ी से समय के लिए ऊपर चली गई, हो सकता है अपने आप नीचे आ जाए। ओके, तो RBI क्या करती है, प्रतीक्षा करती है, क्या करती है, प्रतीक्षा करती है किसकी, अनुकूल परिस्थितियों की, अनुकूल परिस्थितियों की। जब वो अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करती है और कोई परिवर्तन नहीं करती है, सब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो इसी को क्या कहते हैं, डोबिस पॉलिसी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, जब तरलता कम या ज्यादा ज्यादा हो जाती है तो वो सोचती है कुछ समय के बाद हो सकता है ये अल्पकालीन हो, कुछ समय के बाद फिर से नॉर्मल स्थिति आ जाए, और वो अपनी नीतियों के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, वो सोच रही है बाजार अपने आप थोड़ी संतुलन की अवस्था में आ जाएगी कुछ दिनों के बाद, और वो प्रतीक्षा करती है किसकी, अनुकूल परिस्थितियों की, और वो कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, तो हम कहते हैं RBI किस नीति को अभी अपना रही है,
आरबीआई तो वो अभी डोबिस पॉलिसी को अपना रही है, क्योंकि वो कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के गवर्नर को लग रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में जैसे वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं, हो सकता है जैसे कोरोना खत्म हो अपने आप नीचे आ जाएंगे, तो वो कोई परिवर्तन ना करे तो हम क्या कहेंगे, आरबीआई अभी डोबिस पॉलिसी अपना रही है। ओके, लेकिन अगर वो जैसे ऋण को सस्ता कर दे अपनी नीतियों के माध्यम से, तो हम कहेंगे ये मॉनेटरी इजिंग या प्रसारवादी नीति अपना रही है। लेकिन अगर वो ऋण को महंगा कर दे अपनी नीतियों के माध्यम से, तो हम क्या कहेंगे, वो डियर मनी पॉलिसी अपना रही है, फिर हॉकिस पॉलिसी अपना रही है, फिर संकुचनवादी नीति अपना रही है। तो इस तरह से नाम दिया जाता है, ये आपको न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है और कैसे होता है, अभी हम लोगों ने बात कर ली है। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।